तो हेलो गाइस, तो वेलकम बैक। तो हम सभी को पता है कि कितरेसु के बहुत ही कम स्पेशल एपिसोड्स हैं, तो इसीलिए मैं आज की वीडियो में तुम्हें कितरेसु के टॉप 10 बेस्ट एपिसोड्स के बारे में बताऊंगा। और यार इन एपिसोड्स को तुम स्पेशल एपिसोड्स मत के भी देख सकते हो। और यार मैंने इनको एक सीरीज से सजाया है, जो सबसे अच्छी होगी वो सबसे लास्ट में बताऊंगा, और यार जो सबसे नॉर्मल होगी तो उनको यार सबसे पहले बताऊंगा। और अगर इनमें से कोई भी एक ऐसा एपिसोड है जो कि यार तुमने नहीं देखा है तो यार तुम्हें देखना चाहिए, इसका मतलब तुमने कितरेसु सीरीज अभी तक पूरी नहीं देखी है। यार इस वीडियो के खत्म होने के बाद मुझे प्लीज से यार सच्चा सच्चा कमेंट करके बताना कि इनमें से कौन सा एपिसोड है जो तुमने नहीं देखा है। तो अब तुम्हारा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो एक बार ऐसा होता है कि मियोको टोकियो छोड़ के होकाइडो जाने वाली होती है, और तुम मुझसे बेहतर देख पा रहे होगे कि होकाइडो कितना दूर है। और यार अगर तुम्हें सैड एपिसोड पसंद है तो यार तुम्हें ये एपिसोड बहुत ज्यादा पसंद आएगा, अगर तुमने नहीं देखा होगा तो, क्योंकि ये नंबर 10 है तो इसके बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करता हूँ। और वैसे भी आजकल कॉपीराइट प्रसाद की तरह बढ़ रहा है तो ज्यादा एक्सप्लेन ना करना ही सही होगा। तो यार नंबर 9 पर जो एपिसोड है वो काफी कमाल का है। तो यार इस एपिसोड में कुछ ऐसा होता है कि कितरेसु के ग्लासेस को एक जिराफ ले लेता है, और यार तुम्हें पता है कि कितरेसु अपने ग्लासेस के बिना डायका को नहीं पढ़ सकता। और जैसा कि मैंने तुम्हें पिछले फैक्ट वाले वीडियो में बताया था कि कितरेसु अपने कुछ डिवाइसेस को कंप्यूटर में सेव करके रखता है, लेकिन यार उसने ग्लासेस नहीं पहने थे और उसी में वो कंप्यूटर चला रहा, तो वो सभी वो जितने भी उसके इन्वेंशंस उसने सेव करके रखे होते हैं उन सभी इन्वेंशंस को वो डिलीट कर देता है। और इसके बाद कितरेसु डायका कैसे पढ़ पाता है ये तो तुम्हें पता ही होगा क्योंकि एपिसोड तुमने देख रखा होगा। तो यार नंबर 8 पर जो मैंने एपिसोड रखा है उस एपिसोड को थोड़ा भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। उस एपिसोड में बूटा गोरिल्ला फ्यूचर से आता है और आगे का तुम समझ गए होगे। ये एपिसोड ही स्पेशल इसीलिए ज्यादा है क्योंकि इसमें कितरेसु की ट्रू फीलिंग्स सामने आई है, तो इसीलिए ये एपिसोड डिजर्व करता है नंबर 8 की पोजीशन। तो यार इस एपिसोड में कोरोसु की अपना फ्यूचर जानना चाहता है और कितरेसु उसको उसका झूठा फ्यूचर दिखाने का कोशिश करता है, इसीलिए वो काफी ज्यादा नाराज हो जाता है और टाइम मशीन में बैठ के कुछ ऐसे ही जो मन करता है वो अपने मनमर्जी बटन दबाते रहता है और वो फ्यूचर में चला जाता है। और वहां पे हमें फ्यूचर कितरेसु की आवाज सुनाई जाती है जो कि मैं तुम्हें नहीं सुना सकता क्योंकि कॉपीराइट का इशू है, लेकिन हाँ इस एपिसोड से हमें ये पता चलता है कि कितरेसु की टाइम मशीन फ्यूचर में जा सकती है। तो यार नंबर 6 से एपिसोड काफी मस्त होने वाले है। तो यार इस एपिसोड को तुम कितरेसु के शॉर्ट मूवी की तरह भी देख सकते हो, क्योंकि इस एपिसोड में हमें ये पता चलता है कि कितरेसु साई ने एक और डायका लिखी है जो कि यार एक गलत साइंटिस्ट के हाथ लग जाती है, और वो उस डायका का इस्तेमाल करके एक ऐसा रोबोट बना रहा होता है जिससे कि वो पूरी दुनिया पे कब्जा कर सके। और कितरेसु और बाकी सब उससे फाइट करते हैं और वो डायका को छीन के उसको लास्ट में, ये तो नहीं बता सकता कॉपीराइट इशू, वरना एपिसोड देखने में मजा क्या आएगा अगर तुमने ना देखा होगा तो। तो यार इस एपिसोड में ऐसा होता है कि कितरेसु और उसके सारे दोस्त लास्ट में जाते हैं एक नॉवलिस्ट से मिलने के लिए, लेकिन वहां पर कुछ ऐसा होता है जिसकी उन्होंने उम्मीद भी नहीं की होगी, क्योंकि हमें वहां पर मिलता है कितरेसु साई, वो भी अपने यंग लुक में। हाँ ये बंदे कितरेसु साई ही है। और इसके बाद उन्होंने उनसे क्या बातें की ये, और ये बातें जानने के लिए तुम्हें देखना पड़ेगा ये एपिसोड, और शायद मैक्सिमम लोगों ने ये एपिसोड नहीं देखा होगा। अगर तुमने ये एपिसोड नहीं देखा है तो यार कमेंट करके मुझे प्लीज से बताओ ये एपिसोड तुमने नहीं देखा है, सिर्फ इसी एपिसोड के लिए कमेंट करना है तो कर दो अभी के अभी। और यार नंबर 4 पर जो एपिसोड है वो है फ्रेंडशिप डेडिकेटेड एपिसोड। तो इस एपिसोड में टोंगारी और कोरोसु के अपना घर छोड़ देते हैं क्योंकि उनके क्रश ने उन्हें धोखा दे दिया था। नहीं नहीं मजाक कर रहा हूँ मैं, बूटा गोरिल्ला ने कुछ उल्टी सीधी हरकत की थी और टोंगारी के साथ कुछ गलत हुआ था, उसके बाद वो दोनों घर छोड़ देते हैं और ट्रेन से कहीं दूर चले जाते हैं। और जब वो लोग लास्ट में मिलते हैं तब हमें कितरेसु सीरीज का वन ऑफ द बेस्ट इमोशनल मोमेंट मिलता है। तो नंबर 3 पर है मोरेत्सु साई वाला एपिसोड, और इस एपिसोड की जगह कोई नहीं ले सकता, और एक्चुअली मैं तो चाहता था इसको नंबर 1 पर रखना क्योंकि ये एपिसोड आने के बाद कितरेसु सीरीज में एक अलग ही कंसेप्ट आ गया मोरेत्सु साई का, और जितना ये एपिसोड देखने में सीधा लगता है उतना ये एपिसोड सीधा है नहीं, तो इस एपिसोड में काफी सारी मिस्ट्रीज है। अगर तुम्हें इसके बारे में और जानना है तो तुम ये वीडियो देख सकते हो, और अगर इस मिस्ट्री का सॉल्व देखना है तो ये वीडियो देख सकते हो, दोनों वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इस एपिसोड में हमें ऐसा दिखाया जाता है कि छोड़ो यार एपिसोड देख रखा है तुमने। तो यार नंबर 2 पर है कितरेसु का लास्ट एपिसोड, क्योंकि यार ये एपिसोड काफी ज्यादा खास है क्योंकि एपिसोड 330 तक हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि अगले ही एपिसोड में कोरोसु के कितरेसु के साथ नहीं रहेगा, या फिर इस एपिसोड की स्टार्टिंग में भी हमने ऐसा सोचा नहीं था, लेकिन जैसे जैसे ये एपिसोड एंड की ओर बढ़ा
हमें पता चलते गया कि ये एपिसोड कुछ खास है। और यार इस एपिसोड को देखने के बाद मैं दिल से रोया था। तो यार अब तुम लोग जल्दी जल्दी गेस करो कि नंबर वन पे क्या होगा। तो यार नंबर वन पर है कितरेसु के 1987 का फर्स्ट एपिसोड। और यार इस एपिसोड को यार कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता, भले ही यार इसकी क्वालिटी उतनी अच्छी ना हो, लेकिन इसकी स्टोरी कमाल की है। इस एपिसोड में कुरोसुके का बनना, कितरेसु का बिना डायका के रहना, कितरेसु को डायका का मिलना, ये सारी ही चीजें इस एपिसोड को खास बनाती है। और यार अगर तुम्हें ये एपिसोड देखना है तो यार तुम मुझे इंस्टाग्राम पे आके मैसेज कर सकते हो, मैं हिंदी सबटाइटल्स में तुम्हें इस एपिसोड का लिंक दे दूंगा। और यार अगर मैंने जिन 10 एपिसोड के बारे में बताया उन 10 के 10 एपिसोड को तुमने देख लिया है तो यार कमेंट बॉक्स में जरूर से रेड हर्ट कमेंट कर देना। और अगर तुमने इस एपिसोड को छोड़ के बाकी 9 एपिसोड देखे हैं तो कमेंट्स में हैंड्स अप का इमोजी बना देना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हाँ पता है बहुत बेकार की स्क्रिप्टिंग की है मैंने, क्योंकि यार अभी मैं थोड़ा सा परेशान हूँ इसीलिए, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में जल्दी डालने की कोशिश करूंगा और बहुत अच्छी स्क्रिप्टिंग के साथ डालने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून ट्यून क्या बोलते हैं उसको, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। तो बाय बाय।